हे गाइस, वेलकम टू वेल्थ देखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं केयर के हेल्थ इंश्योरेंस का। जी हाँ, तो पर्सनली मैं काफ़ी सालों से इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। 3 बार मैं क्लेम भी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, फर्स्ट, दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो। आप देख सकते हैं, मैं आपको अपनी पॉलिसी यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास में प्रॉपर मतलब केयर कंपनी की यहाँ पे पॉलिसी है और मैं कई बार यहाँ पे क्लेम भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आज मैं इस कंपनी की सारी अच्छाई है और दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। साथ में गाइस, इन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया है केयर क्लासिक जॉन के नाम से। इवन पॉलिसी बाजार के ऊपर भी आपको ये टॉप के ऊपर ही दिखता है और मुझे ये काफी अच्छा प्लान लगता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी यहां पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रीमियम है वो काफी लो आते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपनी। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग केयर की बात कर लेते हैं। ये देखिए, काफी पुरानी कंपनी है। पहले इसको ना रैली केयर कहा जाता था। जुलाई 2012 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी और 2021 के अंदर इसने अपनी ऐसे रीब्रांडिंग कर ली केयर इंश्योरेंस के नाम से। अगर गाइस मैं बात करूं तो ये एक डेडिकेट कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस के अंदर डील करती है, जस्ट लाइक द स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। बट गाइस, अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा के मामले में बहुत सारी जितनी भी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उन सभी से काफी ज्यादा आगे है। अगर गाइस इसकी मैं बात करूं मार्केट शेयर की, तो 4-5% इसके पास में भी राइट नाउ मार्केट शेयर है, जो ऑलमोस्ट यहां पे HDFC इर्गो हो गया, ICICI लॉम्बर्ड हो गया, ऐसी कंपनियों के पास में भी इतना ही मतलब उनके आसपास है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो यहां पे मैं जो भी आपको USP बता रहा हूं, जो भी आपको अच्छाइयां बता रहा हूं, जो भी मैं आपको बुराइयां बता रहा हूं, वो सारी मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूएसपी बात कर लेता हूं कि आखिर हम लोगों को दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को क्यों चूज करना चाहिए। तो देखिए, यहां पे मैंने पहले काफी सारी रिसर्च की थी और मुझे मेरा जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मेरे पास में जैसे स्टार हेल्थ की भी यहां पे इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी थी, इसके पहले मैंने HDFC और ICICI की भी ली थी, तो मेरा जो सबसे ज्यादा जो बेस्ट डिजिटल एक्सपीरियंस रहा है वो यहां पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में रहा है। आप गाइस इनका पोर्टल चेक कर लीजिए, आप इनकी मोबाइल ऐप चेक कर लीजिए। सिंपल लॉगिन प्रोसेस है, जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सारी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाते हैं। आप अपने हेल्थ चेकअप के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड भी वहां पे रख सकते हैं। इवन अगर आपको क्लेम भी करना है तो क्लेम भी आप ऑनलाइन यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब सारी सुविधा इन्होंने बड़े ही ईजी तरीके से अपने वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के ऊपर दे रखी है। इसके अलावा गाइस, अगर इसके मैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूं तो 95% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन 2020-21। इसके साथ में अगर COVID-19 की बात करूं तो 97% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। अब गाइस, जो मैंने आपको इसका प्लान बताया कि केयर क्लासिक जोन करके इनका नया प्लान आया, इस प्लान की खास बात क्या है, इन लोगों ने ना इस जोन वाइज को 3 जोन में बांटा हुआ है। जैसे जोन 1 के अंदर मुंबई, थाने, जितने भी मेट्रो सिटीज है उसको इंक्लूड किया है। जोन 2 के अंदर बैंगलोर, पुणे, नासिक, ये सब हो गया। और जोन 3 के अंदर रेस्ट ऑफ इंडिया हो गया। तो गाइस, यहां पे इन्होंने क्या किया, जो आपका प्रीमियम आएगा वो जोन वाइज यहां पे आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए ऐसी सिटी के अंदर रह रहे जो कि नॉन मेट्रो सिटी है, तो आपका जो प्रीमियम है यहां पे काफी कम आता है। सो गाइस, अगर एक मैं जयपुर जैसी सिटी की बात करूं, जहां पे मान लीजिए मैं खुद को एज ए 20 ईयर्स ओल्ड और प्लस मैं अपनी स्पाउस को अगर यहां पे ऐड करता हूं, तो मेरा ओनली 8,492 का समथिंग का यहां पे प्रीमियम आता है। मतलब ऑलमोस्ट 9,000 रुपए के समथिंग का प्रीमियम हो गया, जिसमें मेरा 5,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है। यही चीज अगर मैं कंपेयर करूंगा स्टार हेल्थ के साथ में किसी और अदर कंपनी के साथ में, तो यही मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो है 10,000-11,000-12,000 के आसपास आता है। तो गाइस, इसकी USP अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज, आपका जो प्रीमियम है यहां पे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एज पर योर सिटी, जिस सिटी के अंदर भी आप यहां पे रहते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मेरा जो कवर है सिर्फ उसी सिटी के अंदर रहेगा, आप ऑल इंडिया कहीं पे भी यहां पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहां पे अगर मैं OPD कवर की बात करूं, तो यहां पे आपको OPD कवर का एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए स्लाइटली थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओपीडी कवर का ये मतलब ये होता है कि मान लीजिए जनरली हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आप तभी क्लेम कर पाते जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। लेकिन ओपीडी कवर के अंदर आप जो जनरल हम लोग फिजिकल जो है बेसिकली डॉक्टर के पास में जाते, कोई भी कंसल्टेशन लेते हैं, लैब के रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, जहां पे मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे जो है आप कवर नहीं कर पाते हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन अगर आप ये ओपीडी कवर का ऑप्शन ले लेते, थोड़ा सा स्लाइटली 2-3,000 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज भी यहां पे कवर हो जाती है। इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ी सी यहां पे सर्टेन लिमिट्स होती है, तो ओपीडी कवर एक तरह से यहां पे एड ऑन की तरह काम करता है। अगर गाइस इसके मैं रूम रेट की बात करूं, आईसीयू चार्जेस की बात करूं, तो यहां पे सिंगल प्राइवेट रूम आपको मिल जाता है, कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं है। जैसे स्टार हेल्थ के अंदर
अंदर मोस्टली जैसे 3 लाख तक होती है कि 5 लाख मतलब 5,000 रुपये पर डे तक ही आप यहाँ पे एक रूम अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको कैपिटल लिमिट नहीं मिलती है, ना ही रूम रेंट के ऊपर, ना ही कोई आईसीयू के चार्जेस के ऊपर। साथ में गाइस आपको COVID-19 का यहाँ पे कवरेज भी मिल जाता है। अच्छी बात है, चाहे घर हो या हॉस्पिटल, दोनों के अंदर आपको यहाँ पे कवरेज मिल जाता है। साथ में गाइस ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये कि अगर मान लीजिए साल के अंदर आप मल्टीपल क्लेम्स करेंगे तो जितनी बार भी आपका सम इंश्योर्ड होगा, मान लीजिए पहले आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो मान लीजिए आपने पहले साल में क्लेम किया, आपने पूरा 5 लाख खत्म कर दिया, आप उसी साल में अगर आप सेकंड बार क्लेम करेंगे तो 5 लाख जो आपका खत्म हो चुका है वो वापस यहाँ पे रिस्टोर हो जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं नो क्लेम बोनस की बात करूं तो 25% आपका इंक्रीज होता रहता है अगर आप किसी भी साल में क्लेम नहीं करते हैं, और ये मैक्सिमम 150% तक जाता है। मतलब ये है कि अगर 5 लाख रुपए का आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और कभी भी अपने साल के अंदर पूरे साल भर के अंदर आप क्लेम नहीं करेंगे तो ये 25% जो है हर साल बढ़ता जाएगा और खिंचा के 150% तक इंक्रीज हो सकता है। साथ में गाइस 1 साल के लिए यहाँ पे आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप मिल जाता है, खुद के लिए भी, अपने जितनी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी के लिए। आप कहीं पे भी अपने इनके टाइप हो रखे होते हैं लेबोरेटरी के साथ में, तो आप उनकी ऐप के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना जो 1 साल का हेल्थ चेकअप है वो यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट करा सकते हैं। सो ये गाइस आपका वन टाइम रहता है, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको मिलेगा, मतलब साल में सिर्फ 1 बार ही आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। इसके बाद में गाइस अगर कोई भी आपको एग्जिस्टिंग बीमारी है और उस टाइम पे आप हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है वो मिनिमम यहाँ पे 4 साल का है। मतलब कोई भी आपको ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 4 साल तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस इनकी मोबाइल ऐप के ऊपर जनरल फिजिशियन के साथ में आप जो 1-to-1 कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। नॉर्मली मतलब जो जनरल MBBS डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वही यहाँ पे इनकी ऐप के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो आपको सर्दी जुकाम वगैरह खांसी इस तरह की थोड़ी सी मतलब नॉर्मल चीजें हैं तो आप डायरेक्टली इनके पोर्टल के ऊपर प्लस इनकी ऐप के ऊपर ई कंसल्टेशन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर मैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करूं तो 60 दिन पहले और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर की एक्सपेंसेस की बात करूं तो 90 डेज का आपको कवर मिल जाता है। मतलब जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने वाले हो उसके 60 डेज के पहले का कवर और उसके बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में 90 डेज का कवर ये आपको प्रोवाइड कर देता है। साथ में गाइस इसमें डे केयर ट्रीटमेंट भी शामिल है और हॉस्पिटल अगर लेट्स सपोज मान लीजिए कई बार क्या होता है जैसे कोविड के अंदर हुआ था कि बेड्स अवेलेबल नहीं थी हॉस्पिटल के अंदर तो घर के ऊपर ही यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था, तो ये चीजें भी यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर ना मोतिया बिंद वगैरह भी जो है यहाँ पे कवर होता है, लेकिन इसके अंदर लिमिट लगा रखी है कि 40,000 रुपए पर आई तक आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब गाइस बात करूंगा कि क्या चीजें इसके अंदर कवर नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें मैटरनिटी कवर नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं आप इसके अंदर कवर नहीं कर सकते, उसका कोई ना ही कोई क्लेम कर सकते हैं। जबकि अदर पॉलिसीज के अंदर क्या होता है, आपको एक मिनिमम वेटिंग पीरियड देते हैं कि 2 साल तक आपको वेटिंग पीरियड करना है, उसके बाद में तीसरे साल के अंदर अगर मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं तो इस अमाउंट तक आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। साथ में गाइस इसके अंदर वर्ल्ड वाइड कवरेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब आउटसाइड इंडिया अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ये चीज कवर नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पे डेली कैश अलाउंस भी आपको नहीं मिलता है, जैसे अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो अदर जो कंपनीज है वो क्या करती है अपने प्लान्स के अंदर डेली कैश अलाउंस इंक्लूड करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके सारे हॉस्पिटल के खर्चे भी यहाँ पे बॉर्न करेगी कंपनी, लेकिन आपको जो डेली बेसिस पे मतलब जो आने जाने के खर्चे पर्चे होते हैं, खाने पीने के जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती है। सो गाइस जैसे मैंने बताया कि ये सिटी वाइज यहाँ पे जो है आपका प्रीमियम यहाँ पे कवर करता है। साथ में यहाँ पे एडिशनल कवर के अंदर जैसे बताया एनुअल हेल्थ चेकअप हो गया, इंस्टेंट कवर हो गया, प्लस ओपीडी 3,000 रुपए के आसपास या 5,000 जो भी आप सम इंश्योर करना चाहते हैं आप देख सकते हैं 2,000 से 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एड ऑन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। इसका मतलब क्या हो गया, आप सिर्फ मान लीजिए 5,000 रुपए तक के जो आपके डॉक्टर के एक्सपेंसेस होंगे, आप जनरल हॉस्पिटल के अंदर जाते जो ओपीडी के एक्सपेंसेस होते वही सिर्फ 2,000 रुपए एडिशनल देके यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा कुछ ज्यादा बेनिफिशियल फीचर नहीं है, ये एक ऑप्शनल फीचर है। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, बार बार अगर आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना रहता है नॉर्मल चेकअप्स वगैरह के लिए या नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए तभी इसको आप ऐड कीजिएगा, वरना ये अननेसेसरी है। इसके अलावा गाइस देख सकते हैं आप मेरे पोर्टल के ऊपर अगर यहाँ पे मैं कोई भी सर्विस लेना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ या मान लीजिए रीशेड्यूल करना चाहता हूँ कहीं पे भी लैब के अंदर, या मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहता हूँ, या इसके अलावा मान लीजिए मैं क्लेम दर्ज कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सारी जो सुविधा है आपको ये पोर्टल के ऊपर ही मिल जाती है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहती है, वरना मोस्टली क्या होता है हम लोग कॉल सेंटर के अंदर कॉल लगाते रहते हैं और कई बार कॉल पिकअप नहीं होता है या इमरजेंसी के टाइम पे पिकअप नहीं होता है। तो इजीली यहाँ पे अच्छी सुविधा ये है कि आप खुद भी यहाँ पे जो इजीली अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू ही अपना जो क्लेम है वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में गाइस आप अपने जो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, जबकि मैं अदर पोर्टल्स की बात करूँ तो वहाँ पे काफी ज्यादा ग्लिचेस होते हैं, आप ढंग से यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। जबकि इसका जो UI/UX है आप कह सकते हैं जो पोर्टल की जो अवेबिलिटी है वो काफी मुझे यहाँ पे शानदार लगती है। सो ये गाइस मैंने आपको प्रो और
कॉन्स दोनों बता दिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।